नई नई खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और चैनल से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ वंशिका पांडे। कोरोना के वर्तमान हालात में राज्य की भूपेश सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए केंद्र सरकार पर बेवजह के आरोप लगा रही है, जिसको देखते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने धरना के माध्यम से सरकार से मांग करते हुए कहा है कि राज्य सरकार तत्काल चिकित्सा व्यवस्था में सुधार करे, अन्यथा अपनी कुर्सी छोड़ दे। आई देखते हैं इस पे बुलंद हिंदुस्तान की एक खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी ने कल 24 अप्रैल को छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार की गलत नीतियों के विरोध में अपने अपने स्थानों पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी के छोटे कार्यकर्ता से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह तक सभी ने इस अभियान में हिस्सा लिया। भूपेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, भूपेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भूपेश सरकार हाँ। विरोध प्रदर्शन के दौरान रमन सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया लगातार, प्रदेश के हम लोगों ने, सभी वरिष्ठ लोगों ने बैठकर ये तय किया, इस सरकार कुछ करने में असफल रही है, उसके लिए हमने अलग अलग कदम उठाए और उसके लिए कदम उठाए कि हमने इन सारे विषयों को लेकर चीफ सेक्रेटरी से, हमारे वरिष्ठ सारे नेता मुख्य सचिव से मिलकर वहाँ की स्थिति के बारे में, छत्तीसगढ़ के बारे में चिंता व्यक्त की। वहाँ कुछ नहीं हुआ, फिर गवर्नर से मिले, गवर्नर से हम लोग पूरी टीम गई और गवर्नर को बताया, गवर्नर साहब ने भी चिंता व्यक्त की, उसके बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ। उसके बाद हम लोगों ने सुझाव दिया था कि सर्वदलीय बैठक करके कुछ निर्णय लिया जाएगा, सर्वदलीय बैठक में भी कोई निर्णय नहीं हो पाया और कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया। एक आंकड़े जो लोगों को पीड़ा देता है और तकलीफ देता है कि सरकार ने कहा कि एक्चुअल वेंटिलेटर कितने फंक्शनल हैं, ये इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट के पोर्टल पे जो दिखाता है वो दिखाता है 937 वेंटिलेटर फंक्शनल है, मगर इसकी जब जांच की गई, इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन लिया गया तो पता चला कि 497 वेंटिलेटर ही फंक्शनल हैं, इनके जो आंकड़े पोर्टल में बता रहे हैं और ये पोर्टल में जो 937 के आंकड़े दिखा रहे हैं वो झूठा है। अकेले सिर्फ और सिर्फ 497 वेंटिलेटर आज के दिन काम कर रहे हैं, जबकि सरकार ने कहा था, मुख्यमंत्री ने कहा था, इन लोगों ने वादा किया था कि हम पहले दौर के समय कि हम अपने वेंटिलेटर की क्षमता को दुगना कर देंगे, दुगना तो नहीं है, फंक्शनल आधा है और आधे में भी कोविड के लिए जो रिजर्व किया हुआ है जो वेंटिलेटर, वो आधे की, उससे भी आधे की संख्या है, बाकी तो अन्य चीज़ों के लिए, सीरियस मरीज के लिए वेंटिलेटर रखते हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, एम्स हो या अन्य। दूसरा, आज आप भी कोशिश करते हो, पत्रकार बंधुओं के भी फोन आते हैं, आपके मित्र भी भर्ती होते हैं, पूरे छत्तीसगढ़ से लोग परेशान होकर हम लोगों को फ़ोन करते हैं, हम यहाँ बैठे हैं, माननीय हमारे सांसद महोदय रामविचार नेदान जी बैठे हैं, पवन साय जी हमारे संगठन मंत्री जी हैं, माननीय राजेश मूढ़ा जी, अभिषेक सिंह जी, हम लोग इस बात को चिन्हांकित करने के लिए प्रदेशव्यापी इस धरना में बैठे हैं कि सरकार को इन छत्तीसगढ़ की पीड़ा को एक बार फिर प्रदेश स्तर पर धरना देकर व्यक्त करें और बताएं कि अब भी समय है, आप बेहतर तरीके से जो कुप्रबंधन है, जिस प्रकार हालात छत्तीसगढ़ के बिगड़ते जा रहे हैं, उसको ठीक करने का ये मौका है। इसमें दल और विपक्ष और पक्ष की बात न सोचते हुए अभी हम सिर्फ तीन व्यवस्था में सुधार करें, एक तो वेंटिलेटर की व्यवस्था जो आपने कहा था उनको करें, दूसरा ऑक्सीजन जिला स्तर में, रायपुर में ठीक है कोई कमी नहीं, और जिला स्तर में जब भिलाई स्टील प्लांट ऑक्सीजन हमारे पास सबसे ज़्यादा है तो कहीं उसके सुनिश्चित करें कि हर जिला हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या के आधार पर ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, और ये जानकारी हमको भी मिले कि सरकार के पोर्टल में हम देखते हैं, उस आधार में हमको मालूम होता कि इस जिले हॉस्पिटल में इतनी कैपेसिटी है। आज मैं पढ़ रहा था और बड़ा मुझे आश्चर्य हुआ, हाई कोर्ट में कहा जाता है,
हाई कोर्ट में कहा जाता है कि हमारे पास 2000 सीट खाली है, हमारे मेडिकल कॉलेज प्राइवेट कॉलेज में 2000 बेड खाली हैं। जब 2000 बेड खाली हैं, ये हाई कोर्ट में छत्तीसगढ़ का सरकार की ओर से हमारे महाधिवक्ता जी जब बोलते हैं कि 2000 बेड खाली हैं, तो मैं अभी फ़ोन उठा के बात करता हूँ, मेरे साथ ही बात करते हैं, कहीं भी मरीज के लिए जगह नहीं है तो ये 2000 बेड कहाँ है भाई। उन्होंने कहा कि 400 वेंटिलेटर खाली हैं। जब वेंटिलेटर की मरीज के लिए बात होती है तो पता चलता है कि वो वेंटिलेटर कहाँ खाली है, ये बताया जाता है कि 800 से ज़्यादा ऑक्सीजन के बेड खाली हैं। जब ऑक्सीजन के बेड जब हाई कोर्ट में आप बोल रहे हो, हाई कोर्ट में ये बयान जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई रास्ता नहीं है। हम कोई आंदोलन नहीं कर सकते सड़क में, घर में बैठकर इनके विवेक को जागृत करना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, बैठिए, बैठकर जो आपने कहा था कोविड के पहले जब लहर आई थी उस समय आपने जो वादा किया था कि हम ये एक कदम उठाने जा रहे हैं, इतने आईसीयू बेड बढ़ाने वाले हैं, इतने वेंटिलेटर बढ़ाने वाले हैं, इतने ऑक्सीजन बेड, आज वो कहाँ गया, आपके पोर्टल में दिखता कहाँ है, आप हाई कोर्ट में अलग बयान देते हो। सरकार के हाई कोर्ट में दिया गया हलफनामा और बयान आज धरातल में जब देखते हैं तो उसका जस्ट पूरे विपरीत है। तो आज हम बैठ के उसका विरोध करने के लिए बैठे हैं कि ये जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में हो रहा है, पूरे छत्तीसगढ़ में टेस्ट बंद हो गया है, टेस्ट की व्यवस्था पूरी चौपट हो गई है, कहीं टेस्ट नहीं हो रहा है, टेस्ट ना होने से रिपोर्ट आना बंद हो गया, आंकड़े कम कर रहे हैं, 16,000-17,000 के आंकड़े बताए जा रहे हैं। आंकड़े के जाल में ना फंसते हुए कम से कम जो आज नीचे स्तर में 3-4 पंचायत के बीच में एक क्वारंटाइन सेंटर बनाना बहुत आवश्यक है। इसको बार बार मैं बोल रहा हूँ क्योंकि एक बार यदि टेस्ट हो गया, CPRTC टेस्ट हो या रैपिड टेस्ट हो, कोई भी टेस्ट हो रहा है, उस टेस्ट के बाद मुझे लगता है कि उनको जब तक उस मरीज का टेस्ट रिपोर्ट 4-5-6 में फाइनल नहीं होता, उसको क्वारंटाइन करना ज़रूरी है, उसको पंचायत भवन में रखेंगे, नहीं तो आज जो स्प्रेड हो रहा है, जिस प्रकार फैल रहा है, ये संभालने से संभलेगा नहीं। आज जो स्थिति है छत्तीसगढ़ में बहुत ही चिंताजनक है, परेशान करने वाला है। और आज के इस दिन में मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि हम सब इस छत्तीसगढ़ को और छत्तीसगढ़ में कोविड के मरीजों का टेस्ट के सिस्टम को बेहतर करें, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करें, उनके लिए क्वारंटाइन सेंटर करें, उनके लिए वेंटिलेटर की व्यवस्था जो आपने कहा था कि ICU बेड की संख्या बढ़ाई जाए, ऑक्सीजन बेड की संख्या बढ़ाई जाए, और जो चिकित्सकों की नियुक्ति होना था, पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति होना था जिले स्तर में, उसको तत्काल किया जाए। और आप अलग अलग जिलों में अभी से, वो चाहे जसपुर की बात कहूँ, बलरामपुर की बात कहूँ, मैं बिलासपुर की बात कहूँ, मुंगेली की बात कहूँ, राजनांदगांव और कवर्धा की बात करूँ, मरीजों की संख्या जिस प्रकार भटक रहे हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। ये जवाबदारी कलेक्टर के दिया जाए कि यदि उस जिले में बेड नहीं होता, ये कलेक्टर की जवाबदारी है, कुछ तो तय करें। हम लोग यहाँ बैठकर सरकार के विवेक को जागृत करना चाहते हैं। बस मैं का ये धरना बैठने का कारण, इस लॉकडाउन में हम सिर्फ और सिर्फ अपने विरोध प्रकट कर सकते हैं, सरकार को जागृत कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा के इस प्रदर्शन पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया आने में देर नहीं लगी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा कल किया गया प्रदर्शन राजनीति का एक तरह से पतन की पराकाष्ठा है। आज पूरा छत्तीसगढ़ और पूरा देश जिस आपात स्थिति से गुजर रहा है, इसकी जिम्मेदारी प्रकृति के ऊपर डालें, केंद्र सरकार के ऊपर डालें, राज्य सरकार के ऊपर डालें, ये बात का विषय है। मगर जिस तरह छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी ने कल राजनीतिक नौटंकी किया,
यह अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। आज छत्तीसगढ़ की जनता को सांत्वना की आवश्यकता है, सहयोग की आवश्यकता है, मदद की आवश्यकता है, संबल बढ़ाने की आवश्यकता है। ऐसी परिस्थितियों में तख्तियां लगा करके लोगों का मनोबल तोड़ने का जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने कल किया है, ये अत्यंत शर्मनाक, निंदनीय और अनुचित है। राजनीति के लिए बहुत अवसर मिलेंगे, मगर इस आपात परिस्थितियों में जब जनता सहानुभूति, सहयोग, सांत्वना, संबल की उम्मीद करती है, ऐसी परिस्थिति में छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, छोटे से कार्यकर्ता से लेके पूर्व मुख्यमंत्री तक, जब तख्तियां दिखाएं, ये अपने आप में एक विचारणीय प्रश्न है। कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की इस तरह के प्रयासों की, इस तरह से राजनीतिक कर्म की आप पूरी तरह से निंदा करती है और उम्मीद करती है कि आने वाले समय में संकट की परिस्थितियों को देखते हुए उनका रुख सहयोगात्मक रहेगा, राजनीति करने से बाज आएंगे। तो ये थे बुलेटिन हिंदुस्तान की खास रिपोर्ट। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए बुलेटिन हिंदुस्तान के साथ।